2021 में मैंथा की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली। 2021 में मैंथा वायदा में ज्यादा खरीदारी नहीं देखी गई थी क्योंकि मैंथा की डिमांड ज्यादा नहीं रही थी। 2021 में लॉकडाउन वाली स्थितियां थी जिससे डिमांड में कमी देखने को मिली। कम डिमांड रहने से कीमतों में कमी देखने को मिली जिससे मैंथा किसानों ने दूसरी फसलों की ओर रुख किया। मैंथा ऑयल का इस्तेमाल फार्मा और FMCG इंडस्ट्री में होता है। दवाइयों के अलावा ये साबुन, सैनिटाइजर और कफ सिरप बनाने में भी इस्तेमाल होता है। पान मसाला उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूपी के बाराबंकी में मैंथा की सबसे अधिक खेती होती है। बाजार के जानकार IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक 2021 में मैंथा में गिरावट रही थी जिससे मैंथा किसानों ने दूसरी फसलों की ओर रुख किया। आगे मैंथा की फसल कम देखने को मिल सकती है। 2022 में मैंथा की निर्यात मांग अच्छी देखने को मिल सकती है। घरेलू और विदेशी बाजारों में मैंथा की डिमांड उठती दिखाई दे सकती है। कम फसल और ज्यादा डिमांड के चलते मैंथा की कीमतों को सहारा मिल सकता है। 2022 में मैंथा की डिमांड काफी अहम भूमिका निभाएगी। अनुज गुप्ता के मुताबिक मैंथा में 975 से 980 के स्तर मिलने पर खरीदारी में रहा जा सकता है और एक महीने में 1100 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।